आसाम का बॉर्डर मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के साथ लगता है। पार्टीबाजी आप बोलेंगे कि उसको ब्लेम कर, किसी को ब्लेम नहीं करते हुए उसका नीचे ही हमारा जमीन है, अभी भी है, अभी भी खेती करता है। यहाँ का लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला। तो आप किसके साथ में बाउंड्री बनाया? चाइना का साथ कह क्या आप? वो मैप में आप दिखाओ तो अरुणाचल प्रदेश बोल के। ये ऐसा है, ये अरुणाचल और आसाम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश से अरुणाचल का जितना भी बॉर्डर है आसाम के साथ में, उसको परमानेंटली रिजॉल्व करने के लिए अभी रीजनल कमिटी बनाया है। तो आज हम लोग जो आया है पापुमपारे का जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी बॉर्डर लगता है आसाम के साथ में, वो कमिटी आज यहाँ गुमतो में मुलाकात होगा। जैसे हम 1 तारीख को तारासो में वहाँ का मंत्री केशव महंत जी और हमारे यहाँ का मंत्री जो चेयरमैन है ताबा तेदर जी और सारे विधायक के साथ मिलके वहाँ भी गया, उसी प्रकार आज गुमतो में है और यहाँ दोनों रीजनल कमेटी का चेयरमैन और मेंबर्स मिलके हम लोग गुमतो बुगड़ी डैंग का लोरा बेलो होते हुए किमिन तक जाने का आज का प्रोग्राम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो विजिट से हमारा अरुणाचल और आसाम का बाउंड्री प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगा। तो सर आप लोग जिससे कि 1 तारीख को तारासो गया था, वहाँ का सर रिजल्ट कैसे मिला? तारासो में ऐसा हुआ, लगभग जितना भी कंट्रोवर्शियल एक दो गांव था उस गांव में कमेटी ने विजिट किया और विजिट करके उन गांव के लोगों से भी ओपिनियन लिया कि आप कहाँ बैठना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का जो ओपिनियन मेन होता है इसमें, और उसमें किस गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है या किस गवर्नमेंट का शासन का प्रशासन का एक्टिविटी चलता है, तो हिसाब से करके उसको हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग में आके फाइनली एक लाइन लगेगा। तो मुझे लगता है कि तारासो में भी जो विजिट हुआ, रादासो को नहीं कर पाया, लगभग जितना बाकी एरिया है ठीक हो जाना चाहिए। तो सर आज का जो विजिट है सर, ये जो बुका बेलो लोरा उस तरफ का सर, 1950 से वहाँ पे बॉर्डर का इश्यू चलते आया है और कुछ बस्ती अभी जो बुकावान बोलते हैं उससे भी सर वो लोग को भगाया गया था लोकल को, तो अभी सर वो लोग रीसेटलमेंट हो पाएगा क्या सर अगर बॉर्डर? इसीलिए ये जैसे मैंने बताया बहुत पुराना इशू है, 1951 का कहानी लगाने से तो उस समय में आसाम का जो गोपीनाथ बोरदले यूनिलेटरली बाउंड्री बनाया तो हमारा सरकार को कभी नहीं माना, हमारे लोगों ने भी नहीं माना, इसीलिए इसको अभी सॉल्व करने के लिए ये परमानेंटली, क्योंकि हमारा मोदी जी का नेतृत्व में ये है कि अभी जो हम लोग आज़ादी का अमृत काल में जाने वाला है, तो इसमें हमारा भाजपा सरकार का क्लियर कट व्यू है कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट कहीं भी नहीं होना है। हाँ, तो इसलिए ये यूनियन होम मिनिस्टर का और मोदी जी का क्लियर डायरेक्शन है दोनों गवर्नमेंट को, अरुणाचल एंड आसाम गवर्नमेंट को, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट को खास करके, क्योंकि आसाम का बॉर्डर मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के साथ लगता है, विथ अरुणाचल, विथ मिजोरम, विथ नागालैंड, इवन मेघालय। तो ऐसा करके तो अभी आसाम सरकार जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वेरी मच डेडिकेटेड टू सॉल्व दिस बाउंड्री प्रॉब्लम। तो उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि आसाम एक सारा नॉर्थ ईस्ट में हमारा बराबाई का जैसा है, तो बराबाई का रूप में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का लीडरशिप में ये मैं पूरा यकीन करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ ये 100% सॉल्व हो जाएगा। सर व्हाट डू आप क्या कहेंगे ये जो फॉरेस्टर का सर जो इन्वॉल्वमेंट जो यहाँ में डिस्टर्बेंस रहता है बेलो लोरा और बुकावान बुकाजू का, तो ऐसा है टेक्निकली, क्योंकि फॉरेस्ट का क्या है कि उनको टेक्निकली जाना पड़ता है कि किताब में क्या है, तो वैसे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी है। हाँ, तो रिजर्व फॉरेस्ट का एक्ट में करके वो लोग उसको बीच बीच में आना जाना करता है और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वंस दोनों सरकार राजी हो गया तो फॉरेस्ट इशू को भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है, अगर कहीं रिजर्व फॉरेस्ट है तो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उनको कैसे रखा जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंटिन्यू करेगा या रिजर्व फॉरेस्ट में कंटिन्यू करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग सारे शायद दोनों कमेटी या दोनों सरकार बना के दे देगा, और ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ है मेरा ख्याल से वो एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल से और मैं विश्वास करता हूँ ये परमानेंटली सॉल्व होगा। उतना आप बीन सर लीडर्स फॉर मेनी इयर्स सर, बहुत साल से आप लीडर करते आए हैं सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया गया है मगर ये एरिया जो है यहाँ पे कभी भी फ्रीडम नहीं है, जैसे कि स्कूल खोलता है फिर आसाम फॉरेस्ट आके तोड़ देता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सर लगाया वाला 2-3 साल ऐसे ही कुछ है, तो सर इसमें क्यों सर अभी तक ध्यान दिया गया? इसीलिए देखिए अगर हम बोलेंगे तो
पार्टीबाजी आप बोलेंगे कि उसको ब्लेम कर, किसी को ब्लेम नहीं करते हुए हमारा जो सरकार है, भाजपा सरकार है, ये नेतृत्व लिया है कि अभी परमानेंटली ख़त्म करना है, तो अभी आगे अच्छा हो जाएगा सब कुछ, सारा प्रॉब्लम जब बाउंड्री क्लियर होगा तो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसमें मतलब आपका जितना भी सवाल है ये जो बाउंड्री इशू पर आ जाता है, तो ये जब बाउंड्री इशू सॉल्व होगा तो सारा डेवलपमेंट आने लगेगा, उसका आप चिंता मत कीजिए। और हमारा पब्लिक के लिए अभी आगे से मुझे तो लगता है कि ये 2-3 महीना में परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा और आगे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चलेगा। थैंक यू सर। इज दिस द लास्ट विजिट? नो, इट डिपेंड। मैं आधारिक तौर पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कमेटी में मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग ज़रूरत पड़ेगा तो और विजिट करेंगे होंगे, लेकिन विजिट चाहे आज हो या और आगे भी हो, मेरा ख्याल से पब्लिक का, दोनों पब्लिक का जो इच्छा है, आसाम में अरुणाचल पब्लिक का इच्छा के हिसाब से ये परमानेंट सोल्यूशन आएगा। वी आर फ्रूटफुल विजिट? या डेफिनेटली वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज एस आई सेड इट्स देयर इज अ क्लियर डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बोथ द आसाम एंड अरुणाचल गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर इन द विजन, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इफ देयर इज अ पोलिटिकल विल नथिंग इज इम्पॉसिबल, द लीडरशिप एंड द पोलिटिकल विल इज इम्पॉर्टेंट। सो नाउ under the BJP government the political will is very clear, so there will be 100% solution, I am telling it today, mark it, thank you। isme hum log ko thoda piche jana padega, jab yahan hum log pehle nepa tha, theek hai, fir 1951 mein Bordoloi commission one man commission bana, to unhone ek notification bana diya, notification based on that डिमार्केशन हुआ है असम का तरफ से। 1951 में अरुणाचल प्रदेश वॉज नॉट देयर, ठीक है, ये असमी गवर्न असम का गवर्नेंस में था ये ना। तो 51 में जो बाउंड्री ये लोग ने बनाया है बोर्डोले कमीशन, यहाँ का लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला, ये यूनिलेटरली किया है, तो इसलिए यही का यहाँ का जो जनता जो अभी ये बोल रहा है कि आपका 1951 जो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री बोल रहे हैं, इट इज़ एंटायरली 100% अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर द पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए ये तब से आपका ये डिस्प्यूट जो चलते आया, क्योंकि हमारा आदमी बैठा हुआ है, उनको मालूम नहीं है कब रिजर्व प्रदेश बन गया ना। तो रिजर्व प्रदेश बनने का एक ये नियम होता है कि आमने सामने वाला लोग उधर में जो बस्ती बैठा है वो आदमी लोग को पूछताछ करना है, मैंने हियरिंग करता है उसको, क्या कोई आपका तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है ये रिजर्व प्रदेश बनना ने, ये प्रक्रिया नहीं किया बोला, वो काम वो नहीं किया, तो हमारा लोग मालूम नहीं था, सब ये भी अरुणाचल ये भी अरुणाचल ये सोचा है, लेकिन जब असम प्रदेश से इवेक्शन नोटिस सर्व करने लगे, इवेक्शन होने लगे, तब हमारा आदमी को मालूम ये क्या हो रहा है, तब यह कि आपका नहीं, आप लोग तो असम में बैठा हुआ है, तो ये है प्रॉब्लम। तो ये केस जो है आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में 3 मेन कमीशन था, उसमें चटर्जी कमीशन बोलता है, उन्होंने यहाँ पूरा एरिया डिस्प्यूटेड एरिया आपका ये ऑल अलोंग द पुट हिल्स एरिया ना, और बालेमो से लेकर आपका तिरप तक, उन लोग ने सर्वे किया, बेस्ड ऑन दैट सर्वे उन्होंने एक रिपोर्ट भी दिया, वो रिपोर्ट के मुताबिक उन लोग ने कौन कौन सा एरिया को अरुणाचल को मैंने छोड़ देना है या वापस देना है, उन्होंने मैप में भी आया है, ठीक है। तो अभी ये है कि हमारा यहाँ का लोग ना, पुराना बात छोड़ दीजिए, लखीमपुर में हम लोग था, दोलोहात में हम लोग था, या लालोग में हम लोग था, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो कमिटी ने जो लाइन खींच दिया, जो एरिया को अरुणाचल को मिलना चाहिए, उसी को क्लेम कर रहे हैं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम नहीं हो रहे हम लोग मैंने अरुणाचल का तरफ से। तो अभी उसके बाद में क्या असम गवर्नमेंट का तरफ से उन लोग ने इसको सुप्रीम कोर्ट में काउंटर कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो रिपोर्ट है उसको हम लोग नहीं मानता है। तो ऐसे होकर ये इस तेल में चलते आया, तो अभी फॉर्चुनेटली हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और अरुणाचल में और असम में सब एक ही पार्टी का है ना, तो अभी ये गवर्नमेंट ने तो सीरियसली लिया है लोगों का प्रॉब्लम को, ये लोग ने रियलाइज करके दोनों चीफ मिनिस्टर असम का और अरुणाचल का दोनों बैठ करके ये कि आउट ऑफ कोर्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सोच के अभी इसका जो एक्सरसाइज जो है अभी चल रहा है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट उसका साइड से ऑफिसर है, डीसी है, एसपी है, डीएफओ है, अरुणाचल का भी वही है, तो हम लोग वो जाके ये इंस्पेक्शन कर रहा है कि
हमारा आदमी अरुणाचल का आदमी कहाँ कहाँ सेटलमेंट है, ठीक है। तो अरुणाचल का आदमी अगर असम में बैठा हुआ है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और 22 वर्षा अरुणाचल का आदमी अगर असम में बैठा हुआ है उसी को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद में तो इसको हम लोग रिपोर्ट में रिड्यूस करके फिर आगे का जो बात होगा, कौन सा एरिया को छोड़ देगा, कौन सा एरिया को रखना है, तो वही बात है। तो ओवरऑल ये कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और एज वेल एज बोथ द स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ का पब्लिक जो है स्पेशली जो अफेक्टेड बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर अफेक्टेड है, वो लोग मैंने बहुत खुशी है अभी, क्योंकि एट दी एंड कुछ सोल्यूशन तो होने वाला है, और ये एक बार सोल्यूशन हो जाएगा तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्प्यूट का वजह से तरासों में गया होगा, देखा है ना तरासों का कंडीशन क्या है, ना रोड है, ना लाइट है, ना नेट कनेक्टिविटी है, ना स्कूल प्रॉपर है, तो लोग अभी सब ह्यूमन कंडीशन में रह रहा है। ये पुट हिल्स एरिया में जो डिस्प्यूटेड एरिया बोल रहे हैं ना, इसका मेन रीजन है बस ये बाउंड्री डिस्प्यूट है, कोई दूसरा रीजन नहीं है। गवर्नमेंट रेडी है रास्ता बनाने के लिए, गवर्नमेंट रेडी है इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, वाटर सप्लाई देने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रेडी है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड जो स्टेटस है ये एरिया को, वो लेके दोनों गवर्नमेंट का तरफ से हमेशा एक दूसरे को ऑब्जेक्शन करते रहता है, और गवर्नमेंट मैंने लोगों को गवर्नमेंट का जो भी फैसिलिटी है उससे दूर रखा गया है। तो एक ये ह्यूमन ये इमोशनल बात भी है ना, तो ये हमारा यहाँ का लोगों का तरफ से अरुणाचल का तरफ से हम लोग ये मैंने रिक्वेस्ट करता है ना कि थोड़ा इमोशनली चीज़ को लीजिए ना। हमारा आदमी ऐसे बोर्ड वाले कमीशन का रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ जाते जाते प्लेन से जाते जाते पहाड़ मिल गया, उधर से अरुणाचल, तो पहाड़ में कहाँ घर बना के बैठेगा। हमारा आदमी बंदर जैसा ऐसा लटक के बैठ रहा है, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, हमारा मिथुन को खड़ा होने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, मुर्गी को इधर उधर जाने के लिए जगह नहीं, स्कूल प्ले ग्राउंड के लिए जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये कि आदर साइज जो असम वाला है वो लोग भी अच्छा दिल से आ रहा है, हम लोग फिर भी रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा बड़ा भैया का जो स्प्रिट को रहते हुए हम लोग को थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा फुटबॉल खेलने का जगह, हॉस्पिटल बनाने का जगह, या मिथुन थोड़ा इधर उधर घूमने का जगह, थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए आप लोग, बस ये है हम लोग का इस तरफ का। सर छोड़ दीजिए मतलब क्या सर, हम लोग अपना मिट्टी को मांग रहे हैं ना सर। एग्जैक्टली हम लोग मिट्टी तो हमारा ऑक्यूपेशन में है जी। आप यहाँ जो ऊपर जो देखिए ये वाला जो जंगल है ऊपर में पूरा प्लेटू है, प्लेन है, हमको एक एक जगह मालूम है कौन सा पेड़ कहाँ खड़ा है, क्योंकि हम मेरा बचपन इधर में हुआ है ना, पिताजी यहाँ घर बना के बैठा था। तो क्या हुआ 1974-75 में असम पुलिस ने इवैक्यूएशन नोटिस दे दिया, तो नीचे तान्या पबू है ना, तान्या पबू यहाँ से गया, उधर नीचे में मेरा पिताजी, उधर में मेरा माँ का साथ घर बना के बैठा था, उसका नीचे ही हमारा ज़मीन है, अभी भी है, अभी भी खेती करता है ना। तो ये है हम लोग का पास पूरा सबूत हम लोग का फेवर में है। तो ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग इसको चोर का लखीमपुर को नहीं मांग रहा है, देमाजी को तो नहीं मांग रहा है, हमने जहाँ में बैठा था हमने आज भी खेती कर रहा है, मेरा मिथुन आज भी उधर में घूम रहा है ना, मेरा जो भी है डोमेस्टिक एनिमल जो घूम रहा है, हम लोग अभी भी फॉरेस्ट में जाके लकड़ी लेता है, अभी भी सब्जी लेता है, बम्बू सूद कलेक्ट करता है, ये फॉरेस्ट कलेक्ट करता है, लेकिन असम के मुताबिक हो उनका रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन हम लोग उसको जनरेशन टू जनरेशन वो फॉरेस्ट का हम लोग यूज़ करते हुए आया है, तो वो कैसे उनका हो सकता है। अभी उसको बस ऑफिशियली उनको डिक्लेयर करना है और ये दे, क्योंकि उनका कोई सेटलमेंट नहीं असम इस आदमी का, असम साइड का कोई सेटलमेंट नहीं इनका, इधर हमारा सेटलमेंट ये यहीं पे जहाँ पे हम लोग मीटिंग आज होने जा रहा है, ये गुमतो तो है, तो इसको भी बोलता है, ये भी असम ही बोलता है वो लोग, लेकिन वो हमारा आदमी बैठा हुआ है, यही सबूत है, बस हो गया, और क्या सबूत चाहिए हमको, ये मैप में दिखाने का जरूरी नहीं है, लोग बैठा हुआ है, स्कूल है, गाँव बुरा है, पंचायत लीडर्स है, सब है, पूरा गवर्नमेंट चला रहा है, हम लोग लीगली सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन गलत के वजह से, वो 1951 वाला जो नोटिफिकेशन गलत के वजह से आज ये चीज़ को हम लोग रीड्रॉ करने के लिए जा रहा है, और बहुत द साइड दोनों साइड जो है आई थिंक
करेगा उसको, हम लोग तरासो में भी देखा है, दूसरा जगह में भी देखा है। और यहाँ जो प्रॉब्लम है, हाँ असम को तो प्रॉब्लम नहीं रख देखता है, उन लोग असम को भी मालूम है। यहाँ में जंगल में जाएगा तो हमारा आदमी मिलेगा, कोई मिथुन देखने के लिए घूम रहा है ना, खेती कर रहा है घूम रहा है, हमारा आदमी मिलेगा, यहाँ कहाँ दूसरा आदमी मिलेगा। तो ये ज़मीन हमारा राइट बनता, राइट पुली इधर का जो ओनर है हम लोग है, बस इसको ऑफिशियलाइज करना है, इतना ही है। ओके सर, ये विद द कोर्ट एंड आउट ऑफ कोर्ट सर, उसका डिफरेंस बता दीजिए सर। सर विद द कोर्ट में क्या प्रॉब्लम है जो आप लोग आउट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं? विद द कोर्ट में भी ना, वो भी हमारा पेवर में है, जो आपका चेतारजी कमीशन वाला जो थ्री मेन वाला जो मेम्बर्स जो लोकल बॉर्डर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था 2007 का बात है, यही आके मीटिंग किया था वो लोग भी देख के हम लोग का बात सुन के वो बोले अरे ये तो इनजस्टिस हो रहा है आप लोग का साथ, आपको उधर से इधर से धकेल दिया है, भगा दिया है, भगा का अभी ये पहाड़ है, अभी ये पहाड़ को चोर काम कैसे उतरेगा, अभी यहाँ से असम अगर हमको धकेल पुश करता है हम कैसे उतरेगा, रस्सी लगाना पड़ेगा, तो ऐसे जाते जाते हमको चाइना बॉर्डर तक ले जाएगा क्या। तो ये है ना बात। तो कोर्ट में भी जो एज ऑन टूडे हमारा पेपर में है, ये कोर्ट ने जो कमिटी का जो रिपोर्ट है उसमें पूरा लिखा हुआ है, ये एरिया जो है अरुणाचल गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। इसको असम ने कॉन्टेस्ट किया है, कॉन्टेस्ट करके रखा है, तो अभी पॉलिटिकल जो भी एनवायरनमेंट है बहुत कंड्यूसिव है, क्योंकि एक ही पार्टी का मैंने गवर्नमेंट चल रहा है, और ये गवर्नमेंट भी बहुत प्रो पीपल गवर्नमेंट है, लोगों का तकलीफ को दूर करना चाहता है ये डिस्प्यूट को लेके ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लिया है। तो दोनों गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर दोनों बैठ के प्राइम मिनिस्टर का गाइडेंस के अंदर में आप लोग कोर्ट कचहरी छोड़ दीजिए, बाहर में आके बात कीजिए, क्योंकि ये जो है घर का ही बात है, बाय बाय। क्योंकि 1951 में अरुणाचल प्रदेश नहीं था ना, तो आप किसके साथ में बाउंड्री बनाया, चाइना का साथ कहे क्या? वो मैप में आप दिखाओ तो अरुणाचल प्रदेश बोल के, तब तो नेपा था, तो नेपा में तो असम भी है, अरुणाचल तो आपका 72 में आया है, 87 में स्टेटहुड मिला है ना। तो बस अभी ये जो 51 में जो गलत नोटिफिकेशन हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री जो बोलता है वो, लेकिन यहाँ के लोगों के मुताबिक वो तो प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको रीड्रॉ करना है और वंस फॉर ऑल बाउंड्री का ये प्रॉब्लम, दोनों स्टेट का प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, डेवलपमेंट को आने दीजिए, लोगों को अच्छा से इधर में रहने दीजिए, हम लोग रेडी है।